चलिए जी, यहाँ देखिए हमारी मच्छी है तो पूरी अच्छी तरह से क्रिस्पी सी फ्राई हो चुकी है। देखिए इसमें जो हमने मसाले कोट करे थे ये भी जरा भी बाहर नहीं आए, ये देख सक रहे हैं आप। और कितनी अच्छी हमारी क्रिस्पी सी मच्छी फ्राई हो गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। चलिए जी, आज हम बनाएंगे सुरमई फिश फ्राई। तो यहाँ देखिए 1 किलो मेरे पास सुरमई फिश है, तो इसको बहुत अच्छे से मैंने विनीगर और नमक लगा के इसको बहुत अच्छे से धो के इसको छन्नी में मैंने रखी हूँ ताकि पानी पूरा इसका है तो नितर जाए। अब यहाँ देखिए ये फिश को डाल देंगे हम एक बड़े से बॉल में। अब यहाँ देखिए मच्छी को सब डाल दिया हमने बॉल में। तो अब यहाँ देखिए आधा चम्मच मैंने जीरे का पाउडर ली हूँ और नमक ली हूँ, नमक थोड़ा कम ली हूँ क्योंकि आगे हमें चाट मसाला भी इसमें डालना है, तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही लेना। अब यहाँ देखिए आधा चम्मच से भी कम है, थोड़ा सा मैंने काली मिरी का पाउडर ली हूँ, ये दरदरी सी कुटी हुई है ये इसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए चाट मसाला पाउडर है ये आधा चम्मच ये लेंगे, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा हमारी मच्छी में। अब यहाँ देखिए काला नमक ली हूँ ये आधा चम्मच, ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत धनिया ली हूँ और इसको मैंने जरा से कूट ली हूँ, 2-2 भाग में कर ली हूँ, ये इसमें डालूंगी ताकि मच्छी हम बनाएंगे तो ये जब भी मुंह में आता है तो दर दरा सा अच्छा लगता है। अब यहाँ देखिए चिली फ्लेक्स ले लेती हूँ मैं 1 चम्मच भर के। अब यहाँ लेते हैं कसूरी मेथी 1/2 चम्मच। अब यहाँ देखिए 1 नींबू का रस है ये इसमें डाल देंगे जरा खटास के लिए टेस्ट के लिए। अब यहाँ देखिए 3 चुटकी मैंने ली हूँ रेड ऑरेंज कलर, ये इसमें डालेंगे कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब यहाँ देखिए अजवाइन ले लेते हैं हम 1/2 चम्मच और इसको जरा हाथों से हम क्रश करते हुए इसमें डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है ना ये बहुत अच्छी आएंगी इसमें। तो ये डालना आप भी अजवाइन। अब इसी के में इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पूरा डालेंगे अच्छे से वाटी से निकाल लेंगे, साफ करके डाल लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 चम्मच भर के मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लोर, इससे है तो मच्छी हमारी बहुत अच्छी क्रिस्पी होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ही डालेंगे ज़्यादा नहीं, ताकि हमने एक पूरा नींबू का रस लिए हुए आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले लेते पानी हम। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं दोनों हाथों से इसको खूब अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, ज़्यादा जोर भी ना लगाइए नहीं तो फिश है तो टूट सकती है हमारी। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसमें मसाले हम लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए कलर के लिए मैं 1/2 चम्मच ले लेती हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं लेंगे थोड़ा सा ही लेंगे, और इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके रखेंगे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो बनाइए आप फौरन, उससे कुछ इशू नहीं है, बन जाएगी अच्छी टेस्टी से। वैसे भी हमने मसाले इसमें बहुत अच्छे से लगाए हैं, बहुत अच्छी ये फिश फ्राई होने वाली है। तो चलिए जी, मसाले अच्छे से लगाए लेने के बाद हम यहाँ इसको मैं 15 मिनट ढक के छोड़ देती हूँ। चलिए जी, यहाँ देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हम मच्छी डालेंगे। तो पहले एक बार तेल को अच्छे से गर्म कर लेना, फिर इसमें फिश डालना। ध्यान से डालना, जरा हाथ संभालिए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही में शेयर भी करना। जो दोस्त चैनल पर नए आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए जी, एक बार में जितना आती है उतनी हम डालेंगे, ज़्यादा भी नहीं भरेंगे ताकि ये पलटने में तकलीफ दे। तो इसको यहाँ पे 5-6 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रिस्पी सी फ्राई होंगी। तो चलिए जी, इसको हम बाद में 5 मिनट के बाद में इनकी साइड है तो चेंज करेंगे। यहाँ देखिए मच्छी को डाल के 5 मिनट पूरे हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे इनकी साइड चेंज करेंगे। डाले बाद जल्दी फौरन इसको पलटी नहीं करना, जरा भी छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो ये मच्छी है तो हमारी देखिए इस तरीके से पलटी नहीं होगी, मतलब टूट जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से क्रिस्पी होने तक का इसे रखिए तेल में, इसके बाद 4-5 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करना। तो ये देखिए देखने में ही दिख रही ना कितनी क्रिस्पी सी। तो इसी तरह से हम सारी फिश को तल लेंगे। चलिए जी, यहाँ देखिए हमारी मच्छी है तो पूरी अच्छी तरह से क्रिस्पी सी फ्राई हो चुकी है। देखिए इसमें जो हमने मसाले कोट करे थे ये भी जरा भी बाहर नहीं आए, ये देख सक रहे हैं आप। और कितनी अच्छी हमारी क्रिस्पी सी मच्छी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पे अब इसको निकाल लेते हैं हम।
तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी। तो आप जरूर इसे एक बार घर में ट्राई करना, ये बहुत अच्छी चटपटी सी टेस्टी सी लगती है, आप बनाना इसे जरूर एक बार। तो चलिए यहाँ पे इसको निकाल लूंगी। तो यहाँ देखिए कितनी मजे की हमारी मच्छी फ्राई। तो यहाँ देखिए हरी चटनी थोड़ी सी पीस ली हूँ और यहाँ पे ये नींबू रखेंगे और आप बनाइए इसे। और ये रेसिपी कैसी लग रही है चैनल को लाइक जरूर करना, रेसिपी अच्छी लग रही है। तो चलिए जी, आपका बहुत सा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।